हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो के अंदर हम 31 फाइव 35 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पेपर नंबर टू के so, सो सबसे पहले हम लैडर बना देंगे लैडर 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 वॉल सो सो लेट्स दिस इज माय राइट एंड रीच द हाइट ऑफ थ्री मीटर ऑन द वॉल सो ये लैडर वॉल पे थ्री मीटर हाइट पे पहुंच रही है ठीक है सो दिस इज माई थ्री मीटर राइट एंड ग्राउंड के साथ वो एंगल बना रही है 30 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट मींस अ 30 सो दिस एंगल इज 30 दिस द ग्राउंड इज लैडर एंड दिस एंगल इज 30 दिस इज 90 राइट एंगल ट्रायंगल राइट लेट्स नेम इट ए बी सी अभी फ्रेंड्स हमें फाइंड क्या करना है द लेंथ ऑफ लैडर सो आवर टारगेट इज AC AC इज टू बी फाउंड अभी यहां पे थीटा ले लिया दिस इज माय थीटा सो दिस इज माय

एंड दज माई हाइपर टेंगे साइन थर्टी की वैल्यू टेबल में से दैट वन बाई टू इज इक्वल्स टू ए बी इज थ्री ए सी इज टू बी फॉर्म सो ए सी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टू एंड दैट्स सो ए सी इज इक्वल्स टू सिक्स मीटर बिकॉज यहाँ पे मीटर है सो ये सिक्स मीटर दैट इज माई ऑप्शन सी लेट्स ऑल थर्टी टू एम सी क्यू हेलो फ्रेंड्स लेट्स ऑल इसमें हमें दिया गया है ट्राइंगल एबीसी एबी सिक्स बीसी टेन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम इस तरह फॉर्म करते हैं सो दिस इज माई ट्राइंगल जिसमें एक ऐसा सर्कल बनाया जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। अभी फ्रेंड्स इसका रेडियस ढूंढना है तो रेडियस ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल राइट एंगल बनाने वाली दो साइड्स का प्लस यानी ए बी एन बीसी का प्लस माइनस हाइपोट डिवाइड बाई टू अभी क्वेश्चन ये यराइज हो रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है फिर भी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट right एंगल है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अगर मेरे चैप्टर नाइन ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज देखे हुए तो आपको पता होगा ये पाथागोरियन ट्रिपलैट है सिक्स एट टेन तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उससे मुझे पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के मेजर ही ये हो सकते हैं सो सिक्स एट टेन हाइपोटैंगस इज द बिगेस्ट साइज सो साइट सोन सिक्स एट ऑल्टरनेट हो जाएंगे तो चलेगा अब इसका रेडियस रेडियस कैसे फाइन करेंगे सो फॉर्मिंग राइट एंगल राइट एंगल फॉर्म करने वाली प्लस माइनस हाइपोटेंगल डिवाइड बाई टू सो दैट विल बी फोर्टीन माइनस टेन डिवाइड बाई टू फोर डिवाइड बाई टू एंड सो माई आंसर इज टू बी राइट बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर सो लेट्स टेक इट आउट थर्टी थ्री नंबर का एमसीक्यू अभी फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यू है उसका आंसर हम थियोरी के जो कंसेप्ट है सर्कल uh, लेसन के उसपे से दे सकते हैं फिर भी मैं प्रूफ दे रहा हूँ लेकिन प्रूफ देने से पहले मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है कि आप कोई भी सर्कल में अगर टेंजेंट बनाते हो ये मेरा सर्कल है ठीक है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए एंड अगर उस पर से मैं टेंजेंट बनाता हूँ दो टेंजेंट दिस इज माई वन दिस इज माई टू दिस इज माई पॉइंट ऑफ टच पॉइंट ऑफ टच तो ए पी एंड ए क्यू आर सेम ये हमारा थियरम है जो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक पॉइंट में से सेम सर्कल के टेंजेंट्स बनाए जाते हैं तो उनका मेजर सेम होता है तो मैंने एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया और उसमें से ए पी ए क्यू टेंजेंट्स बना दिया तो दोनों सेम ही होंगे तो ये फंडा का इस्तेमाल हमें करना है इसीलिए मैंने बता दिया तो अभी हमें इसका आंसर अच्छा डायरेक्ट भी मिल सकता है बट मैं प्रूफ से दे रहा हूँ राइट प्रूफ एग्जाम में नहीं लिखना है दिस इज जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज कि किस तरह से ये सही है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी प्लस ए सी तो फ्रेंड्स ये ए बी जो है उसके लिए हम बोल सकते हैं ए पी प्लस पी बी इजेंट इट तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए पी प्लस पी बी ए सी है उसके लिए हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी राइट ए क्यू प्लस क्यू सी न ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू अभी ये पॉइंट को आप एक्सटीरियर एज्यूम करो फ्रेंड्स ये पॉइंट को आप एक्सटीरियर एज्यूम करो तो कैन आई कंक्लूड पी बी इज इक्वल्स टू पी आर इट बिकॉज ये पॉइंट में से दो टेंजेंट बने पी बी पी आर कैन आई कंक्लूड हियर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू सी यस आई कैन कंक्लूड ये एक्सटीरियर पॉइंट है क्यू आर क्यू सी सो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू सी QR to QC. So, यहाँ पे मैंने PB क्या किया को साथ में ले लिया एपी प्लस को बाजू में रख दिया अभी पी आर प्लस आर क्यू और यू कैन से क्यू आर प्लस आर पी तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो पी क्यू मिलेगा राइट right? पी आर प्लस क्यू आर गिवी क्यू सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे पी क्यू ये दोनों का प्लस पी क्यू अभी सुनो ट्राइंगल एपी क्यू की बात चल रही है पैरिमीटर तो ट्राइंगल एपी क्यू का पैरिमीटर कैसे मिलेगा एपी प्लस क्यू है दैट गिव पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू सो दट इज पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अभी ये एक्सटीरियर पॉइंट में से दो टेंजेंट बने एबी एसी सो कैन आई से बी इज इक्वल टू ए सी यस

अभी फ्रेंड्स इसमें हमें दिया गया है कि टू एक्स प्लस फाइव आई किसमें से पास होगा तो इसके लिए हमें थोड़ा वर्क ऑन करना पड़ेगा बिकॉज विदाउट डूइंग सम वर्क वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग सो हियर लेट्स कंक्लूड समथिंग क्या कंक्लूड करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें टू एक्स प्लस फाइव वाई में x या तो y को अकेला करना है सो टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल्स टू जीरो सो टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव वाई so x is equals to minus 5y upon 2 isn't it to abhi hum do se teen values lenge jisse hame solution milega so let's keep this scale aside and solve this so abhi hum y ki jagah kya lenge 2 lenge so x is equals to y is equals to 2 y is equals to 2 लेंगे तो x क्या हो जाएगा so let's solve it directly यहाँ पे 2 लिखेंगे friends तो 2 2 cancel हो जाएगा Right, so that will give us minus 5. So x is equals to 2 and y is equals to sorry, x is equals to minus 5, y is equals to 2. Let's take y is equals to 4. So here 4. So 2, 2's are 4 and 5 2s are 10. So x will be minus 10. So let's write over here x minus 10. So ye point um dhiha de y ka 2 x ka minus 5. So y ka 2 x ka minus 5. Let's read it x ka minus 5 y ka 2. दिस इज एक्स का माइनस फाइव वाई का टू दिसंट एक्स का माइनस टेन वाई का फोर एक्स का माइनस टेन वाई का फोर इट विल अभी उसमें से स्केल रख के चेक करते हैं कि ये कौन से कौन से पॉइंट में से पास हो रही है और उसमें से कौन सा हमारे ऑप्शन में ठीक है हमारे ऑप्शन में कौन सा पॉइंट है तो हम यहाँ पे इस तरह से स्केल अरेंज करते हैं जिससे कि ये ये दोनों पॉइंट के बराबर सेंटर में से पास हो ठीक है अभी ये सारे उसके सॉल्यूशन है जैसे कि आप देखो माइनस थ्री वन ठीक है जैसे कि टू माइनस वन ये सब सॉल्यूशन है इसमें से कौन सा ऑप्शन में वो देखते हैं फाइव टू फाइव टू नो वे इट कैन नॉट बी ऑन दिस लाइन टू फाइव टू फाइव कैन नॉट बी ऑन दिस लाइन जीरो जीरो येस जीरो जीरो ऑन दिस लाइन सो जीरो जीरो इज माय करेक्ट आंसर सो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व दिस सो माय ऑप्शन सी दैट जीरो जीरो इज माय करेक्ट आंसर लेट्स सॉल्व MCQ 35. अभी फ्रेंड्स इसमें कंडीशन बनानी है राइट कंडीशन बनाने वाला हम करते हैं सो इसमें हमारा क्वेश्चन है ट्वेंटी एक्स स्क्वाइनस फोर्टी वन एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अभी साइड पे मैं कंडीशन बना रहा हूँ मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या चाहिए ट्वेंटी इन ट्वेंटी दैट इज फोर हंड्रेड एंड प्लस करो तो माइनस फोर्टी वन अभी यह पार्टीशन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन सो लेट्स डू इट ओवर हियर तो अभी फ्रेंड्स ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया अभी इसमें से मुझे उस तरह से टीम बनानी है जिससे प्लस करो तो माइनस फोर्टी होना है मल्टीप्लाई करो तो प्लस फोर हंड्रेड तो मैं टीम बना रहा हूँ लेट्स टेक दिस ऑल टू टूगेदर and this एंड दिसव टूगेदर सो दिस इज एट दिस इज Sorry. Let's take this. अभी फ्रेंड्स ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें से हम टीम बना रहे हैं सो लेट्स टेक दिस फोर टू टुगेदर सो दैट 16 और दिस 25 सो आई थिंक हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है यहां पे 25 यहां पे 16 यहां पे 25 यहां पे 16 लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां -41 चाहिए तो दोनों को माइनस देना पड़ेगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का सेम वे माइनस माइनस तो अभी देखो यहाँ पे प्लस फोर हंड्रेड भी आ गया माइनस फोर्टी वन भी आ गया सो हमारे पार्टीशन हो गए माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स सो आई विल राइट ओवर हियर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू जीरो कॉमन ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा फाइव एक्स अगर आपको कॉमन लेते नहीं आता है तो आप चैप्टर फोर क्वार्टर इक्वेशन के वीडियोस देख सकते हो राइट सो टेक कॉमन सो इट विल बी हिस्टर लेट्स टेक फोर कॉमन हियर सो इट विल बी फोर एक्स ये माइनस है तो यहाँ अपोजिट साइन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो लेट्स से फाइव एक्स माइनस फोर फोर एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट के बाहर वाले साथ में कॉमन ब्रैकेट एक बार नाइनस फोर इज इक्वल टू फोर और यू वुड से एक्स इज इक्वल टू फोर बाई फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर बाई फाइव लेट्स टू फाइव X is equals to 5 by 4. So, you can see roots are reciprocal of each other. This is 4 upon 5 and its reciprocal of 5 upon 4. So, roots are reciprocal of each other. So, my option C is correct. So, here we completed 31 to 35 MCQs. This 36 MCQ we will be solving from the next video. I hope you find my videos useful. Suggestions and feedbacks are always welcome. Thank you.